The leaders of the Farmers Union met Sugarcane Minister Lakshmi Narayan Chaudhary on Thursday in Lucknow and said that crores of rupees are pending in two sugarcane mills of Western Uttar Pradesh for the last 12 years. Talking to media persons in Lucknow, National President of Bharatiya Kisan Union Mahatma Dikait, faction Anil Talan demanded the Yogi government of Uttar Pradesh to crack down on both the companies and pay the dues as soon as possible. मुद्दा तो आज एक ही था गन्ने का. श्यामली मलिकपुर मिल दो हैं उत्तर प्रदेश में, जिनकी स्थिति ये है कि माँ पिछले लगभग 12-13 वर्ष से वो पूरे वर्ष पर किसान का भुगतान नहीं करती और 450 करोड़ दोनों मिल लगभग 450 करोड़ रुपए किसान का पूरे वर्ष भर उसका भुगतान नहीं करती. किसान फ्री में अपना गन्ना देता है और उसके बाद वो 450 करोड़ रुपए पिछले 12 वर्षों से उसके पास कंटिन्यू बना हुआ है. किसान के वहां पर खराब हालात हैं. आज मंत्री जी से यही हमारा निवेदन था कि दोनों शुगर मिल को और जगह पर उन्होंने भुगतान की स्थिति सुधारी है पूरे प्रदेश भर में. माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि हमने सप्ताह में उस भुगतान को ले आए हैं, लेकिन दो शुगर मिल उत्तर प्रदेश के अंदर उतनी खराब हैं कि जो किसान को आत्महत्या के कगार पर ले जाकर उन्होंने खड़ा कर दिया है. इससे पहले विधानसभा दुगना गन्ने का भुगतान कौन कैसे करेगा और ये कौन ने कह दिया कि दुगना अगर गन्ने का भुगतान हो जाता, किसान ने जितना गन्ना दिया है अगर वो दुगना भुगतान वो कर रहे हैं तो किसान के पास तो दुगना पैसा पहुंच जाता. आज हम रेट की बात अगर कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी से भी हमने कहा है, जहां 350 रुपए प्रति क्विंटल रेट था तो वो 700 रुपए मिल जाता हमको. कहां सरकार ने दुगना भुगतान कर दिया, किस तरह से कहा है हमें तो जानकारी नहीं. लेकर शिकायत है आप लोगों को, हमने आपको बताया कि माँ एक मलिकपुर मील बागपत में पड़ती है, श्यामली में एक मील पड़ती है, दोनों मिलों की पोजीशन एक जैसी. आश्वासन मिला आपको गन्ना विकास मंत्री की तरफ से? आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम जल्दी ही उसका करा रहे हैं, लेकिन भाई इस तरह के आश्वासन हम 10-12 साल से झेल रहे हैं. अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो भाई क्या बता.